बच्चों जय हिंद, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा दूसरी के गणित में अध्याय 11 आकृतियाँ। आकृति का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ, किसी भी चीज़ का जो चित्र होता है उसको हम आकृति कहते हैं। लेकिन बच्चों गणित में आकृतियाँ थोड़ी सी अलग होती हैं। रेखाओं को खींचकर हम किसी चित्र को जब बनाते हैं ना कागज़ में, बोर्ड में, तो उसको भी हम आकृति कहते हैं। इस पाठ में हम सीखने के प्रतिफल M210 के अंतर्गत देखेंगे आकृतियों तथा उनके बाहरी तौर पर दिखने वाले गुणों का वर्णन करने के लिए देखने तथा छूने की समझ का उपयोग करना। साथ ही साथ हम देखेंगे गणितीय आकृतियों की पहचान कर पाना, और हम देखेंगे गणितीय आकृतियों की पहचान कर सूचीबद्ध कर पाना। तो इस प्रकार से हम सीखने के प्रतिफल में जानेंगे। आइए देखते हैं, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। आप क्या क्या चित्र है बता सकते हैं? आप देखिए, नीचे लिखा भी हुआ है, उसको ध्यान से पढ़िए और बताइए। पहला चित्र दिख रहा है आपको, डंडा लिखा हुआ है, फिर गेंद लिखा हुआ है, फिर उसके बाद पेंसिल, फुटबॉल, टोपी, पहनते हैं ना टोपी आप, हाँ, और पहिया है, फिर चाक का डिब्बा या चाक का बॉक्स है, फिर देखिए बोतल है, चूड़ी है, और किताब है, बॉक्स है, माचिस का डिबिया दिख रहा है आपको, माला, फूल, पतंग, तरबूज, चक्री जिससे आप पतंग उड़ाते हैं, है ना, झंडियाँ हैं कुछ, पासा या लूडो खेलते हैं ना आप लोग, हाँ ऐसा चित्र देख रहे हैं आप, बांसुरी है, बिंदी है, सेब है, और भी कुछ चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ईंट है, लड्डू, बटन, बेलन, बेलन जानते हैं ना, हाँ, जिसे आपकी मम्मी रोटी बनाती हैं, और रुपया, ये 1 रुपया का जो नोट आपको दिख रहा है आजकल देखने को बहुत कम मिलता है। अपने घर में अपने बड़ों से पूछिए, यदि होगा तो आपको दिखाएंगे। और फिर घर का चित्र देख रहे हैं आप, डिब्बा और दरवाज़ा। तो इन आकृतियों को बहुत ध्यान से आपको देखना है कि ये आकृति कैसी दिखाई दे रही है। अपने दोस्तों के साथ चर्चा भी कीजिए, बड़ों के साथ भी चर्चा कीजिए, और उसके बाद ये देखिए, आपको एक सारणी हम दे रहे हैं। इस सारणी में आपको सबको सूचीबद्ध करना है। कैसे करना है देखिए, पहला जो कॉलम दिया हुआ है आपको, इसमें लिखा हुआ है बिंदी जैसी आकृति। बच्चों यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक ही आकृति को आप अलग अलग जगह पर 2 बार भी लिख सकते हैं, यानी 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये 2 प्रकार से दिख रहा हो तो, है ना, जैसे देखिए बिंदी जैसी आकृति कौन सी दिख रही है, इन चित्रों को एक बार पुनः आप जाइए वापस और ध्यान से देखिए। फिर देखिए माचिस जैसी कौन सी आकृति दिख रही है, गेंद की जैसी कौन सी आकृति दिख रही है, बेलन की जैसी कौन सी आकृति दिख रही है, झंडियों की जैसी, और कोई भी आकृति आपको समझ में ना आए कि कैसी दिख रही है, उसको आप कहाँ रखेंगे, अन्य वाले कॉलम पर आप रख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ उदाहरण आपको बता देते हैं। आप चित्र को देखते रहिए अपनी पुस्तक में और इन सारणियों में आपको भरते जाना है। जैसे बिंदी जैसी क्या है, बटन है, बटन को आप बिंदी जैसी मान सकते हैं, है ना। माचिस की जैसी क्या है, ईंट, ईंट जैसे माचिस बना रहता है वैसे वो भी बना रहता है ना। फिर गेंद जैसी, वहाँ पर तो गेंद ही है, आगे हम और कुछ चित्रों को देखेंगे। फिर बेलन जैसी आकृति कौन सी आकृति है, डंडा है वहाँ पर, उसको भी आप लिख सकते हैं। झंडियों जैसी आकृति में क्या है, पतंग में कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है आपको झंडी जैसी, तो उसको यहाँ पर आप रख सकते हैं। अन्य में जो आपको समझ में ना आए उसको आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पर देखिए बॉक्स भी जो दिया हुआ है वो भी किसके जैसे, माचिस के जैसी है। लड्डू कैसा है, गेंद के जैसा। पेंसिल कैसा है, बेलन के जैसा। तो आपको इन आकृतियों को ऐसे लाइन से लिखते जाना है। तो यह हम उदाहरण आपको बता दिए हैं कुछ, जैसे चौक का बॉक्स है वो कहाँ पे आएगा, माचिस जैसी आकृति में। फिर तरबूज को कहाँ रखेंगे आप, ये गेंद जैसी आकृति में आप दर्शा सकते हैं। तो कुछ उदाहरण हैं, आपको पूरे चित्र को बहुत ध्यान से देखना है और इस सारणी को पूरा पूरा भरना है। आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको कर सकते हैं, बड़ों का सहयोग भी आप ले सकते हैं। अब बच्चों इस सारणी को पूरा करने के बाद आपके लिए छोटा सा गृह कार्य है। अपने घर में आप देखिए कौन कौन सा सामान आपके घर में है, उन सामानों को बहुत ध्यान से देखिए और उसके नाम की एक सूची बना लीजिए, और फिर उस सूची को ऐसे ही सारणी बनाकर आपको अलग अलग दर्शाना है। तो ये काम आप कर लेंगे आसानी से, ऐसा हम विश्वास करते हैं। चलिए काम पूरा हो जाने के बाद आपके लिए
दूसरा काम आ रहा है, देखिए इन चित्रों को ध्यान से देखना है आपको और निर्देशानुसार रंग भरना है। तो रंग भरने का काम तो मज़ा आता होगा आपको, है ना। तो चलिए भाई आप कलर पेंसिल निकालिएगा और अपनी पुस्तक में इस चित्र को रंगिएगा। कैसे रंगेंगे, देखिए जो तिकोना जैसे आकृति दिख रहा होगा ना आपको उस चित्र में, वहाँ पर आपको हरा रंग भरना है। फिर जो चौकोर जैसे आकृति दिख रहा होगा आपको उस चित्र में, वहाँ पर आपको लाल रंग भरना है। और जो गोला जैसे आकृति दिख रहा है आपको, वहाँ पे पीला रंग भरना है। और टेढ़े मेढ़े बादल की तरह जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, वहाँ पे नीला रंग भरना है। तो देखिए फिर से इस चित्र को, और जैसे निर्देश में कहा गया है वैसे ही आपको करना है। एक बार फिर बता दें हम आपको, इसको त्रिभुजाकार या तिकोना जैसे आकृति में आपको हरा रंग भरना है, चौकोर आकृति में आपको लाल रंग भरना है, गोल आकृति में आपको पीला रंग भरना है, और टेढ़े मेढ़े बादल की जैसे आकृति दिख रही है आपको उसमें नीला रंग भरना है। तो भर लेंगे, और भरने के बाद भाई आप अपने दोस्तों की आकृति के साथ मिलान कीजिएगा कि वो कैसे रंग भरे हैं, और देखिए किसकी जो आकृति है बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। बच्चों ऐसे ही आप अपने मन से और चित्र बनाकर उसमें भी रंग भरने का काम कर सकते हैं और इस गणितीय खेल का आनंद ले सकते हैं। अब देखिए भाई ये बच्चा जैसे कोई दिख रहा है भाग रहा है, आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ये जो चित्र है वो गणितीय आकृतियों से ही मिलकर बना हुआ है। जो आकृति हम पहले देखे हैं ना वैसे आकृतियों से मिलकर ये आकृति बनी हुई है। अब इस चित्रों को ध्यान से देखना है आपको और निर्देशानुसार इसमें रंग भरना है। निर्देश क्या है देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपको, जो तिकोना जैसी आकृति है जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, ऐसी आकृति में आपको कौन सा रंग भरना है, नीला रंग भरना है। फिर चौकोर जैसे जो आकृति दिखाई दे रही है आपको, जिसको हम गणित के भाषा में चतुर्भुज भी कहते हैं, ऐसी आकृति में आपको लाल रंग भरना है। और जो गोल आकृति दिखाई दे रही है आपको, जिसको हम गणित की भाषा में वृत्त कहते हैं, ऐसी आकृति में आपको हरा रंग भरना है। तो ये भी आपके लिए मज़ेदार बात हो गई है ना। ऐसे कई आकृति बनाकर आप उसमें रंग भरिए और देखिए कि आपकी आकृति कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। बच्चों निर्देशानुसार तो आप काम करेंगे ही, आप चाहें तो अपने मन से भी ऐसी आकृतियों में रंग भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलग से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक घेरा में चित्र दिखाई दे रहा है जो घर के आकृति के जैसा ही हमको दिख रहा है। इस आकृति में कौन कौन सी आकृतियाँ हैं उसके नाम आपको बताना है। यदि आप पहले के काम को अच्छे से करेंगे ध्यान से तो यहाँ पर आप बता पाएंगे। तो ध्यान से देखिए इसमें आपको तिकोना दिख रहा है जिसको हम त्रिभुज भी कहते हैं, है ना। फिर गोल आकृति दिख रही है आपको जिसको हम वृत्त भी कहते हैं। चौकोर जैसी आकृति दिख रही है आपको जिसको हम चतुर्भुज कहते हैं। तो बच्चों इन आकृतियों को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि घर की आकृति हमको यदि बनानी हो तो कौन कौन सी गणितीय आकृतियों का उपयोग करके हम बड़ा सुंदर सा घर का चित्र बना सकते हैं। तो आप अपने गुड्डे गुड़ियों के लिए ऐसी आकृति कागज में बनाएंगे या अपने लिए स्वयं के लिए भी घर बनाकर देखिए इन्हीं गणितीय आकृतियों का उपयोग करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए, इसमें कौन कौन सी आकृतियाँ शामिल की गई हैं। अब करना क्या है इसके बाद, ध्यान से देखने के बाद आपको करना ये है कि यहाँ पर जो जो आकृति शामिल की गई है उन्हीं आकृतियों को, ये जो खाली जगह दिख रहा है वहाँ पर अलग से बनाना है। यदि आप चाहें तो अलग से कोरा कागज लेकर भी इन आकृतियों को उकेर सकते हैं और चाहें तो उसमें रंग भरकर आनंद भी ले सकते हैं। तो ये आकृतियों की संसार है, दुनिया है, आकृतियों में आप उलझे रहिए और अच्छे अच्छे आकृति बनाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या निर्देश दिया हुआ है आपको। देखिए पढ़िए, नीचे के बॉक्स में दी गई आकृतियों से चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। अब आप सोच रहे होंगे इसे कैसे चित्र बनाएंगे, तो ये देखिए भाई ये जो चित्र बना हुआ है ना वैसे ही आकृतियों से मिलकर बनी हुई है। तो ऐसे ही आकृतियों से आपको इस प्रकार का चित्र बनाना है और चाहे तो आप उसमें रंग भी भर सकते हैं। कई प्रकार के चित्र बनाइए और देखिए कि आपकी जो कॉपी है वो कितनी सुंदर है। और हाँ, साथ ही साथ आप चित्र बनाना भी सीख रहे हैं गणितीय आकृतियों के माध्यम से। तो ये खेल भी आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है। अब बच्चों आइए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दी गई आकृतियों पर पेंसिल चलाकर फिर खुद ऐसी ही आकृति आपको बनाना है। तो देखिए पहला आकृति जो दिख रहा है सीधी लाइन जैसा डॉट 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 लाइन है, इसको आपको पेंसिल से मिला दे रहे हैं जैसे हम यहाँ पर मिलाकर बताए हुए हैं।
फिर दूसरी आकृति को भी वैसे ही मिलाना है, और क्रमशः आप सभी आकृतियों को नंबर दे दीजिए और फिर सबको पेंसिल से आपको मिलाना है। पेंसिल से मिलाते समय आप स्केल का भी उपयोग कर सकते हैं जहाँ पर आपको आवश्यकता होगी, ताकि आपका चित्र अच्छा दिखे। फिर ऐसे ही और विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ आपको अपने कॉपी में बनाना है, और बनाकर फिर उसको ऐसे ही लाइन खींच खींच कर आपको देखना है। तो ये काम भी आप अच्छे से कर लेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। अब चलिए बच्चों, हम कुछ पैटर्न की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, दी गई आकृतियों के पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। एकदम ध्यान से देखिएगा तो ये बहुत आपको सरल लगने लगेगा, क्योंकि आगे चलकर आपको ऐसे ही बहुत सारे पैटर्न मिलने वाले हैं, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे पैटर्न का सामना करना पड़ेगा जिसमें आपको खूब नंबर मिल सकता है यदि आप अच्छे से करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये त्रिकोणाकृति बना हुआ है जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, फिर चौकोराकृति बना हुआ है, फिर त्रिकोणा, फिर चौकोर, फिर त्रिकोणा। तो आप बता सकते हैं इसके बाद कौन सी आकृति बनेगी? देखिए क्रम को समझिए, त्रिकोणा पहले है, फिर चौकोर है, फिर त्रिकोणा है, फिर चौकोर है, फिर त्रिकोणा है, इसके बाद क्या आएगा? चौकोर आकृति आएगा। तो हम यहाँ पर बनाएंगे चौकोर आकृति। उसके बाद देखिए नीचे वाले जो पैटर्न, उसमें पहले तो चौकोर आकृति दिया गया है आपको, फिर वृत्ताकार या गोलाकृति दिया हुआ है आपको, फिर त्रिकोणा दिया हुआ है। अब देखिए क्रम फिर दोहराया जा रहा है, चौकोर, वृत्ताकार, त्रिकोणा, फिर चौकोर। तो इसके बाद क्या आएगा? वृत्ताकार आएगा, है ना, आपको एक ही बार करना है। फिर आगे क्या आएगा ये भी आपको सोच के रखना भी है भाई। इस प्रकार से बाकी जो काम दिए हुए हैं उसको आपको स्वयं करके देखना है, हो सके तो बड़ों के सहयोग भी आप ले सकते हैं। अब बच्चों एक और काम है आपके लिए, आप अपने पास से कोई कागज लीजिए और यहाँ पर जो निर्देश दिए हुए हैं, जैसे पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है, नीचे दिए गए चित्रों की तरह कागज को मोड़कर आकृतियाँ बनाइए। तो चित्र जो दिखाई दे रही है आपको, इसको ध्यान से देखिए और ऐसे ही आपको कागज को मोड़कर देखना है। चलिए भाई, हम आपके साथ भी करने लगते हैं, आप भी अपने कागज को लेकर इस काम को आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये एक कागज है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस सिरे से यहाँ पर थोड़ा सा निशान बना लीजिएगा और ऐसे आपको मोड़ देना है। और उसके बाद देखिए, ये जहाँ से ये पेपर आपको दिखाई दे रही है वहीं से आपको फिर से इसको दोबारा ऐसे मोड़ देना है। इस प्रकार से आप मोड़कर जब खोलेंगे इसको आप, तो ये आकृति बिल्कुल इस प्रकार से दिखाई देगी। देखिए एक ये कौन सी आकृति है, इधर वाला हिस्सा ये त्रिकोणा है, ये भी त्रिकोणा बन गया, और नीचे वाला कौन सा बना, चौकोर आकृति बना। आप इन आकृतियों को ऐसे फाड़ लेंगे इस पेपर को, तो फाड़ने के बाद आप अलग अलग आकृति भी इससे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला काम आप कर लेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। चलिए दूसरा वाला जो आकृति दी गई है आपको, जिसको देखकर आपको पेपर को मोड़ना है, उसको भी करके देख लेते हैं। अभी देखिए दूसरी आकृति के लिए हम इसको मोड़ रहे हैं पेपर को। इस प्रकार का पेपर ले लीजिएगा और फिर उसको दोनों सिरों को पकड़ के इस तरह से मोड़ना है कि बिल्कुल सीधा मुड़ जाइए इस प्रकार से। फिर आप इसको खोल लेंगे और फिर जो जो सिरा को हम नहीं मोड़े हैं उन दोनों सिरों को पकड़ के इस तरह से मोड़ देना है, ये इस तरह से। अब जब आप इसको खोलेंगे ना तो आकृति ऐसे दिखाई देगी इस प्रकार से, यानी कि देखिए एक दो तीन चार, चार त्रिभुज की जैसी आकृति दिखाई दे रही है। अब आप क्या करेंगे, इसी को आप रंगीन पेपर का उपयोग करेंगे तो अलग अलग काट दीजिए सबको, चारों त्रिभुज को अलग अलग कर दीजिए और फिर उसको जोड़ के अलग अलग रंग के त्रिभुजों के साथ वापस इसको जोड़ के आप देख सकते हैं कि ये आकृति कैसी दिखाई देगी आपको। तो बच्चों अध्याय 11 आकृतियाँ वाली पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलेंगे नए वीडियो के साथ नए पाठ में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।